नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी हो या जेपीएससी लगातार विवाद में चल रहा है। इन दिनों जेपीएससी नियुक्ति की जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति को लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर गए, जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं। यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुंचे हैं, उनका एक ही मांग है कि कैसे भी करके जल्द से जल्द जेपीएससी चेयरमैन की जो नियुक्ति है वो की जाए। अब यहाँ सभी छात्र जो है, अभ्यर्थी जो है, एकत्रित हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग आज जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्या परेशानी क्या हो गई आप लोग? हम लोग का परेशानी है कि हम लोग का 17 मार्च को पीटी हुआ, उसके बाद जून में 22, 23, 24 जून को मेंस दिए और 31 जुलाई को आयोग की तरफ से नोटिस आया था कि अति शीघ्र रिजल्ट प्रकाशित होगा और अगस्त का द्वितीय सप्ताह तक इंटरव्यू होगा। लेकिन अभी जो उस समय की तत्कालीन अध्यक्षा महोदय थी नीलिमा क्रिकेटा मैडम, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो चली गए, तो उसके बाद करीब 1-1.5 महीना से पद खाली है। चूंकि जेपीएससी संवैधानिक संस्था है तो यहाँ पे एक दिन भी अध्यक्ष का पद खाली नहीं होना चाहिए और इसके वजह से हम लोग का मेंस का रिजल्ट रुका हुआ है। तो सरकार से, आयोग से हम लोग का यही मांग है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करिए और हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित करिए ताकि छात्र जो अभी डिप्रेशन की स्थिति में है उससे बाहर आए और जो राज्य में अधिकारियों की कमी है उससे राज्य का विकास रुका हुआ है, विकास प्रभावित होता है। एक एक अधिकारी के पास अभी 5-5, 6-6 विभाग का प्रभार दिया जाता है, तो आखिर क्यों इसमें लेट लतीफी की जा रही है? अतिशीघ्र अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि कई ऐसे एग्जाम हैं जिनका रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, जेपीएससी ने वो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया और तमाम कोशिशों के बावजूद भी अभी तक वो रिजल्ट नहीं निकला है। इससे पहले जो अध्यक्ष थी उन वो जो हैं अब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद कई अब अभ्यर्थी जो हैं साफ तौर पर इनका कहना है कि कैसे भी करके सर्वप्रथम जो है जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो, उसके बाद कई रिजल्ट ऐसे हैं जो पेंडिंग है वो भी जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। कुछ और अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि झारखंड में अभ्यर्थियों को एकमात्र अब ऑप्शन आंदोलन बच गया है? अब तो जिस तरह से देखा जा रहा है तो आंदोलन ही देखा जाएगा, अब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से सरकार नजरअंदाज कर दे रही है लोगों का, अभी कल लोग जेएसएससी कार्यालय में उसी तरह हुआ, अभी जेपीएससी के देखें तो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लोगों को 1.5 महीना से लगना पड़ रहा है। एक बार हम लोग स्टार्टिंग में भी आए थे बट उसका भी झूठा आश्वासन दिया गया कि अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो जाएगा, बट अभी तक हुआ नहीं, 1.5 महीना पूरे हो गए। यानी कि जेपीएससी की जो कि अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति के लिए भी लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। एक तो सबसे पहले बात कि लोगों को एडवर्टाइजमेंट निकलवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम होने के बाद अगर एग्जाम में कुछ धांधली हो जाए तो रद्द करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अब ऐसा समय आ गया है कि आयोग जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहां अध्यक्ष होना चाहिए, अभी बिना अध्यक्ष का लंगड़ा लूल्हा टाइप से बैठा हुआ आयोग, कोई मतलब नहीं है। आयोग का सील गेट बंद कर दिया जाए, आयोग में कोई काम नहीं है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए छात्रों को जब आंदोलन करना पड़ रहा है, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पर कहना है कि 1.5 महीने से लगभग जेपीएससी चेयरमैन की जो कुर्सी है वो खाली है। अब इनका यही कहना है कि कैसे भी करके जेपीएससी के जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति हो और नियुक्ति के बाद तमाम जो रिजल्ट है वो भी प्रकाशित किया जाए। अब इनका ये भी कहना है कि झारखंड में इन दिनों हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, चाहे वो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हो या फिर वैकेंसीज के लिए हो या तमाम ऐसी चीजें, अगर एग्जाम हो जाता है तो फिर रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेपीएससी कार्यालय के समक्ष और यहाँ तमाम सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी है यहाँ सड़क पे है और इनका साफ तौर पर कहना हो कि जल्द से जल्द जेपीएससी के जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति हो। अब कुछ और अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है कि जेपीएससी के जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति के लिए भी आप लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है? जैसे कि ये हम लोग का काम नहीं है, वास्तविकता में देखा जाए तो जेपीएससी चेयरमैन हो या कुछ हो ये मंत्रिमंडल का काम है और कैबिनेट का काम है, लेकिन हम लोग को बार बार यहाँ पे आना पड़ रहा है। ये हम लोग के लिए और सरकार के लिए भी शर्म की बात है और जेपीएससी के लिए भी शर्म की बात है, इसलिए क्योंकि 31 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो रिजल्ट है वो कुछ ही दिनों में प्रकाशित होगी और उसके बाद जो है सो इंटरव्यू होगा और तुरंत रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, मतलब जो मेरिट होगा हम लोग का वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद देखा गया कि लगातार देरी पर देरी 20 या 22 अगस्त को जेपीएससी चेयरमैन पदस्थापित हो गए, मतलब वो
हाँ ट्रांसफर नहीं, वो रिक्त हो गया, उनका पद रिक्त हो गया यहाँ से। उसके बाद ना तो चेयरमैन की नियुक्ति हो रही है, ना ही रिजल्ट जारी हो रहा है। हम लोग उसके बाद तीन बार, यह मेरा हम लोग का तीसरी बार यहाँ पर आना हुआ है, और हम लोग हजारीबाग से चल के आते हैं, बहुत दूर दूर से, कोई गिरिडीह से है, कोई पलामू से है, लेकिन उम्मीद तो लगा के हम लोग बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं से हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं कि हम लोग को जेपीएससी से, सरकार से कुछ सकारात्मक हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, और आगे का रिजल्ट क्या होता है ये जेपीएससी जाने और सरकार जाने। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि झारखंड के तमाम जिलों से तब जो अभ्यर्थी है वो पहुंचते हैं और अपनी मांग को लेकर के, अपनी जो उनका हक है, जो उनका अपना हक है, उसको लेकर के लगातार आंदोलन करते हैं। कुछ और अभ्यर्थी है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। झारखंड में इन दिनों अब एग्जाम के लिए आप लोग को आंदोलन करना पड़ता है, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अब जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति के लिए भी आप लोग को आंदोलन करना पड़ता है। देखिए ये तो अजीब सी स्थिति है, स्टूडेंट का ध्यान तो इन सबों पर होना ही नहीं चाहिए, उनका काम तो सिर्फ अपनी पढ़ाई और एग्जामिनेशन पे होना चाहिए, पर झारखंड में ऐसी स्थिति बना दी गई है कि स्टूडेंट करे तो करे क्या, हर स्टेज पर उन्हें सरकार के समक्ष अपनी बातें रखना पड़ता है, और बेचारे करे तो करे क्या, और सरकार जो उनको, उनसे कोई लेना देना नहीं। सरकारें बदलती रही, अलग अलग पार्टियों की सरकार आई, पर स्टूडेंट की स्थिति जो पहले थी वो आज है, और मुझे तो लगता है कि जब तक सभी राजनीतिक दल अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे, एक मंच पर आकर स्टूडेंट का हित नहीं समझेंगे, यही काम हमें करता रहना पड़ेगा। कभी अध्यक्ष की नियुक्ति, या कभी मेंस एग्जामिनेशन के लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा, कभी प्रीलिम्स के लिए, कभी नोटिफिकेशन के लिए। क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं छात्र जो है उनका कैरियर जो है वो काफी प्रभावित होता है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये सिविल सर्विस एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है, साथ ही साथ आपको समाज से जुड़ने और उनके लिए काम करने का मौका मिलता है। बहुत लोग आपको ये भी कहते सुनते मिल जाएंगे, क्यों पढ़े हो इसमें, कोई प्राइवेट जॉब देख लो। मैं कहता हूँ एक सामान्य घर के जो विद्यार्थी होते हैं, समाज की सेवा और समाज में एक प्रतिष्ठा के साथ सेवा करने का एकमात्र विकल्प है सिविल सर्विस। और अगर आपको सरकार हमारी इस बात को भी नहीं समझती, हमें मौका नहीं देना चाहती है, पाँच पाँच साल लगा दी जाती है एक नियुक्ति में, तो क्या करे स्टूडेंट्स? स्टूडेंट तो बिल्कुल परेशान है झारखंड का, ऐसी स्थिति किसी भी और राज्य में नहीं है। जिन जगहों पे समस्या भी थी उन्होंने इसे दूर किया, पता नहीं हमारे झारखंड में इसको क्यों नहीं दूर किया जा रहा है। इसलिए मेरी नम्र विनती है आपको, मुख्यमंत्री महोदय से और अन्य भी जो राजनीतिक पार्टी वाले से है, अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें और हम स्टूडेंट की जो भी मांगे उनको पूरी करें, जल्द से जल्द करें। क्या लगता है कि इस प्रकार से झारखंड में जिस जो छात्रों के साथ हो रहा है, या फिर वो एग्जाम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कभी भी पेपर लीक हो जाता है उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए आंदोलन करना कोई क्यों कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे क्यों, 100 दिन हो गया मेंस एग्जाम का हुआ है ना, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये एक तरह से ना एक मैसेज दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, तुम नेगेटिव ही रहो, एक तो कुछ होता नहीं है यहाँ पे, हो रहा है तो उसका रिजल्ट नहीं होना है। पाँच साल में दो बार किसी कारणवश हो भी गया, पिछले बार का रिजल्ट अच्छे टाइम पे निकल गया था, बट इस बार लोगों ने पूरी ताकत लगाई, पूरी तरीके से उन्होंने मेहनत किया, बट वो नेगेटिव सोच जो है ना वो दिन पर दिन बढ़ते चला रहा है यहाँ के जो छात्र हैं उनके अंदर में, तो ये एकदम नहीं होना चाहिए। ये जल्द से जल्द नियुक्ति करें चेयरमैन सर की और इसके रिजल्ट घोषित करें। दुर्गा पूजा आ रहा है, अब इसके चक्कर में और लेट होगा, फिर दिवाली आएगा, फिर छठ आएगा, अरे भैया कम से कम इतना रिक्वेस्ट है कम से कम नया साल में इन बच्चों को, हम लोगों का सभी का कम से कम एक कुछ बता दे, या हाँ या ना जो है सो बता, ताकि अगला 14 जेपीएससी और हम उसमें तैयारी करें। तो आपने सुना कि जो अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हालांकि बता दे कि आंदोलन जो है वो किसी के लोगों के लिए भी, चाहे फिर छात्र हो या अन्य लोग हो, उनका अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से जिस जो अभी झारखंड में चल रहा है कि हर पल एग्जाम के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इस पे सरकार को सोचने और विचारने की जरूरत है। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको बता दें कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो झारखंड के अन्य जिलों से जेपीएससी कार्यालय पहुंचे हैं, और इनका यह भी कहना है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हो या CDPO हो या अन्य जो पदों के लिए जो एग्जाम हुए हैं, जो कंडक्ट हुआ है, उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, वो रिजल्ट जल्द से जल्द जो है प्रकाशित किया जाए। साथ ही इनका यह भी कहना है जेपीएससी जो का जो चेयरमैन है उनकी जो सीट खाली है वो भी जल्द से जल्द उस पर भी नियुक्ति हो जाए। बता दें कि इससे पहले नीलिमा क्रिकट्टा थी जो कि यहाँ की चेयरमैन थी, उनके जाने के बाद यह पद जो है नियुक्ति हो गई, लगभग 1.5 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई है। कुछ और अभ्यर्थी हैं, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे।
लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में क्या लगता है कि झारखंड में छात्रों को एकमात्र ऑप्शन आंदोलन ही बच गया है? बिना आंदोलन का यहाँ कुछ होता है आज तक? आंदोलन जो है एग्जाम के पहले, एग्जाम होने के बाद, रिजल्ट के लिए, नियुक्ति पत्र हो जाए तभी यहाँ समझिए कुछ क्लियर हुआ है, नहीं तो कुछ ना हो सकता है। शुक्ला जी ये बताइए कि लगातार आप लोगों को आंदोलन के राहों में आना पड़ रहा है, अब जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी नियुक्ति के लिए छात्रों को अभ्यर्थियों का आंदोलन करना पड़ रहा है, यही तो बड़ा दुख का विषय है कि अगर एक जनजातीय विभाग का मंत्री पद खाली था उसको एक दिन के अंदर जैसी चंपईदा ने त्याग पत्र दिए उसी प्रकार तुरंत दूसरे दिन राजभवन में जाके राज्यपाल महोदय जी ने उनको शपथ दिलाया। हम लोग राज्यपाल से भी एक बार मिले, तीन बार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है। मुलाकात क्या मैंने जबरदस्ती होता है ना कि नहीं मिल रहे था उनसे मिलो बात करो सामूहिक रूप से जहाँ मिले, तीन बार उनसे रिक्वेस्ट भी की है। उसके पश्चात मुख्य सचिव सर से मिले, दो दो इस राज के मंत्रिमंडल महोदय से मिले, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं लिया गया। सिर्फ यही टाल मटोल के झूठा आश्वासन दे के कि हाँ अब होगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ये भी तो संवैधानिक पद है, यहाँ पर पांच पांच नियुक्तियाँ जो है पड़ा हुआ है, जेपीएससी सिविल सेवा फूड सेफ्टी ऑफिसर, उसके साथ साथ सिविल जज के लेकर सीडीपीओ मेंस असिस्टेंट प्रोफेसर, एक चेयरमैन की नियुक्ति के चलते पूरे झारखंड का जो ये है मतलब युवाओं का जो भरोसा है टूटा हुआ है। आप अगर एक अध्यक्ष नहीं बना सकते, कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए, ये भी झारखंड में सुनने में आता है, बात सच्चाई है कि जो यहाँ 8 करोड़ देगा दो वो बैठेगा। अब बताइए जो 8 करोड़ 10 करोड़ दे का अध्यक्ष बनेगा वो तो निकलवे ना करेगा। अगर इस प्रकार की मानसिकता से हमारे झारखंड में चेयरमैन का नियुक्ति होगा तो युवाओं का क्या होगा जो दे नहीं पा रहा है। इसलिए ये अफवाहें हैं, अफवाहें भी हैं कि रिजल्ट जो है महामहिम महोदय के पास सौंपा गया और महामहिम महोदय सीजीएल के लिए तुरंत एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक राज्यपाल महामहिम राज्यपाल एक संवैधानिक पद में उन्हीं के जो अंडर में आता है वो जो पद खाली उसके लिए संज्ञान नहीं ले रहे हैं, परंतु उसके लिए संज्ञान ले रहे हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि युवा दर दर भटक रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य से, बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से हम लोग यहाँ जुटते हैं। लोग 2400 जिला के लड़कियाँ लड़के यहाँ पर आते जाते हैं और एक अध्यक्ष की नियुक्ति के बिना पूरा झारखंड त्राहिमाम स्थिति है। एक अध्यक्ष नियुक्ति पर यहाँ बैठ जाए तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाता, यही तो बात है। और देखिए ये मित्र हैं जे पी एस सी स्पेरेंट है, इनसे पूछिए कि फ्रॉड कॉल कैसे आ रहा है, ठीक ना? और जे पी एस सी मेन्स और ये जे पी एस सी मेन्स में फ्रॉड कॉल आ रहा है, बच्चों से पैसा मांगा जा रहा है, थोड़ा इस पर भी आप प्रश्न रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है कि झारखंड में इन दिनों आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य सिविल सर्विस का भी तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड में एकमात्र ऑप्शन जो है अब अभ्यर्थी को आंदोलन ही बच गया हर चीज़ के लिए, या फिर वो एग्जामिनेशन हो या फिर उसके बाद रिजल्ट के लिए हो, उससे पूर्व में अगर देखा जाए तो वैकेंसी आए इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है? मतलब यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के छात्रों का, हम सभी का, कि हमें हमारा जो काम है वो पढ़ाई करना है, देश सेवा करना है, झारखंड का सेवा करना है, परंतु हमें आज अध्यक्ष पद के लिए यहाँ पे आंदोलन करना पड़ रहा है, अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए। रिजल्ट तो दूर की बात, नियुक्ति तो दूर की बात, तो ये दिन देखना पड़ रहा है, जबकि यह संवैधानिक संस्था है जेपीएससी, और इसमें कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और आयोग ये सीएम को संज्ञान लेकर जल्द से जल्द नियुक्त करना चाहिए, लेकिन हम सब छात्रों को इस बात के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो अब क्या ही बोल सकते इस बात। तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि अब झारखंड में हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, अब छात्रों का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, लेकिन अब जो है हर चीज़ के लिए इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। फिलहाल ये लोग जेपीएससी के चेयरमैन हैं उसकी नियुक्ति को लेकर के आंदोलन पे हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि 1.5 महीने से यह पद खाली है और इसकी वजह से कई ऐसे एग्जाम्स हैं जो खाली हैं और जिनका रिजल्ट बाकी है, और इसको लेकर के अब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसकी इनकी बातों पे कितना गौर करती है और जल्द से जल्द एग्जाम इनका जो रिजल्ट है और ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो पूरा कर पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाजत, देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप, धन्यवाद।